वेलकम फ्रेंड्स टू दिस लेक्चर इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम लेयर कमांड को ही और ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं आपको ध्यान होगा हमने लास्ट लेक्चर में लेयर्स कमांड को स्टार्ट किया था और उसके काफी सारे फीचर्स या फंक्शंस हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं सबसे पहले फ्रेंड्स लेयर्स कमांड का शॉर्टकट है एल LA. ए आप लेयर्स कमांड या लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर को स्क्रीन पे लाने के लिए कमांड लाइन पे एल ए टाइप करके आप उसको स्क्रीन पे ला सकते हैं आपको ये मालूम है कि हम सबसे पहले अपनी ड्राइंग में यूनिट्स को सेट करते हैं उसके बाद में हम अपनी ड्राइंग की लिमिट्स को सेट करते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स हमें जो भी अपने ड्राइंग के अंदर लेयर्स क्रिएट करनी है उन लेयर्स को हम क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम अपनी ड्राइंग के सभी एलिमेंट्स को उनके रेस्पेक्टिव लेयर्स के अंदर ही क्रिएट करते हैं लेयर्स प्रोवाइड अ वेरी कन्वीनियंट वे टू मैनेज आर ड्रॉइंग्स एज वी कैन चेंज ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज लाइक कलर लाइन टाइप एंड लाइन वेट डायरेक्टली यूजिंग लेर्स वी कैन स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन लेर्स वी कैन फ्रीज एंड था लेर्स वी कैन लॉक एंड अनलॉक लेयर्स वी कैन स्विच ऑफ और स्विच ऑन प्रिंटिंग ऑफ अ लेयर तो ये सारे एडवांटेजेस लेयर को यूज करने के हैं फ्रेंड्स अगर हम लेयर्स को यूज नहीं कर रहे हैं सपोज हम अपने सभी ड्राइंग एलिमेंट्स को जीरो लेयर पे क्रिएट करते हैं तो ये सारे फीचर्स ये सारे जो हमें बेनिफिट्स हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे सो इन माई व्यू अ प्रोफेशनल ड्रॉइंग शुड हैव प्रॉपर लेयर्स इन इट अब फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल देख लेते हैं उससे आपको लेयर का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल नंबर वन में हम एक आर्किटेक्चर ड्रॉइंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जहां पर हमें अपनी ड्राइंग के अंदर कॉम्पोनेंट्स क्रिएट करने हैं जैसे वॉल्स डोर्स विंडोज स्टेयर्स फर्नीचर डायमेंशंस एंड टेक्स्ट तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपनी ड्राइंग के अंदर लेयर्स को क्रिएट करना होगा वॉल लेयर डोर्स विंडोज स्टेयर्स फर्नीचर डायमेंशन एंड टेक्स्ट तो वॉल लेयर के अंदर हम अपनी ड्राइंग की सभी वॉल्स को क्रिएट करेंगे डोर लेयर के अंदर सभी डोर्स को इसी तरह से विंडो लेयर के अंदर सभी विंडोज को स्टेयर लेयर के अंदर सभी स्टेट्स को क्रिएट किया जाएगा फर्नीचर लेयर के अंदर सभी फर्नीचर्स को क्रिएट किया जाएगा और डायमेंशन में सभी डायमेंशन को हम प्लेस करेंगे और टेक्स्ट लेयर के अंदर हम अपने जितने भी एनोटेशंस हैं और टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको हम क्रिएट करेंगे आइए चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर टू फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल में सपोज हम एक मशीन ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं और हमारी ड्राइंग के कॉम्पोनेंट्स हैं पार्ट की प्रोफाइल सेंटर लाइंस हिडन लाइन्स हैचिंग डायमेंशन एंड टेक्स्ट तो हम इस ड्राइंग के अंदर लेयर्स को कुछ इस तरह से क्रिएट करेंगे प्रोफाइल लेयर सेंटर लाइन हिडन लाइन हैच, डायमेंशन एंड टेक्स्ट तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इन दो एग्जांपल्स के बाद आप किस तरह से लेयर्स को क्रिएट करेंगे और उनके क्या नाम आप देंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा लेयर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स इस प्रकार हैं। लेयर जीरो इज द डिफॉल्ट लेयर इन एनी न्यू ड्राइंग, विच कैन नॉट बी डिलेटेड एंड रीनेम्ड वेन वी प्लेस फर्स्ट डायमेंशन इन आर ड्रॉइंग One layer with name def points is created by AutoCAD automatically and contains dimension definition points. Objects on def points layer will not be printed. Current layer and layer having any object on it cannot be deleted. AutoCAD displays layers in alphabetical order. In case you want a different order, जस्ट प्रिफिक्स नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन सो फोर्थ बिफोर द नेम्स जैसे फ्रेंड्स आपको यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है कि सपोज मुझे प्रोफाइल सेंटर लाइन हिडन लाइन और हेच लेयर्स मैंने क्रिएट किए और मैं इनको इन्ही ऑर्डर में देखना चाहता हूं तो हम प्रोफाइल से पहले वन प्लेस करेंगे एज प्रिफिक्स सेंटर लाइन से पहले टू हिडन लाइन से पहले थ्री और हेच से पहले फोर तो जब भी हम लेयर्स को देखेंगे ऑटो कैड हमें इन चारों लेयर्स को इसी ऑर्डर में शो करेगा तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके द्वारा हम अपनी लेयर के जो नाम है उनके डिस्प्ले के ऑर्डर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं अब आइए चलते हैं मॉडल स्पेस में और यहां पर देखिए फ्रेंड्स हमने एक आर्किटेक्चर ड्राइंग क्रिएट किया है और इस ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए मैंने कौन कौन सी लेयर्स यहां पर यूज की है

टेक्स्ट लेयर पे टेक्स्ट को वॉल्स लेयर पे वॉल्स को और विंडोज लेयर पे विंडोज को आप देख सकते हैं कि पूरे ड्राइंग का जो कलर कोडिंग है वो हमने लेयर के द्वारा ही अरेंज किया है सपोज मैं फर्नीचर के जो कलर है उसको मैं रेड की जगह मैं इसको ब्लू कलर में करना चाहता हूं अगर आपने लेयर्स को यूज किया है तो ये हमारे लिए केवल एक सेकंड का काम है आप सीधा लेयर मैनेजर पर चले जाएंगे और आप फर्नीचर वाली लेयर के कलर पे क्लिक करके आप इसके कलर को सिर्फ यहां से चेंज करेंगे जैसे ही आप ओके OK करते हैं और आप बाहर आके देखते हैं फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमारे फर्नीचर का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है तो इस तरह से लेयर के सभी एडवांटेजेस आप देख चुके हैं समझ चुके हैं और मैं एक बार दोबारा आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी ड्राइंग बनाएं तो उसको प्रॉपर लेयर मैनेजमेंट के साथ ही बनाएं क्योंकि लेयर्स को यूज करने के बहुत सारे एडवांटेजेस दोस्तों अगर आप भी कैड सॉफ्टवेयर के फील्ड में आना चाहते हैं तो करिए हमारे online CAD training programs, जो बिल्कुल beginner level से होके आपको advanced level तक लेके जाएंगे और वैसे भी इन प्रोग्राम्स पर अभी बहुत जबरदस्त डिस्काउंट चल रहे हैं तो हमें नीचे दिए हुए नंबर पर जल्दी ही कॉन्टेक्ट करें दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आईकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाले नए वैल्यूबल वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में